अभी भोपाल पहुंच चुके हैं। वही आगे बढ़ते हैं और भिंड से खबर, जहां उपज रही बिजली संकट को लेकर पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर सांठगांठ कर ट्रांसफार्मर को बेचने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक ने बिजली संकट की शिकायत को लेकर जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने ट्रांसफार्मर नहीं होने का हवाला दिया था, लेकिन जब ग्रामीणों की मदद से पूर्व विधायक ने हाईवे 719 पर ट्रांसफार्मर से भरी गाड़ी को पकड़ा तो उन्होंने अधिकारियों को तुरंत बिजली संकट दूर करने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों के अतिक्रमण के कारण जब मैंने जानकारी ली तो ग्वालियर से कल 17 DB चली, प्राइवेट जब टैंकर भिंड आया नहीं, कायदे में इनको 12 बस पे खड़े होना चाहिए था या RTA पे खड़े होना चाहिए था, RTI पे जान की संस्था है जिनने वहां खड़े होते हुए पुर पे एक पेट्रोल पंप पे खड़े मिले। प्राइवेट टैंकर है, केवल ड्राइवर है, वहीं से DP बांट देते हैं पैसे ले लेके, जिनको DP मिलना चाहिए उनको DP नहीं मिल रही है।